ऑलराइट गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पेट सोल्स में और आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसी डॉग ब्रीड्स के बारे में जो एक दूसरे से दिखने में बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है लेकिन एक दूसरे से काफ़ी अलग भी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, बेल्जियम मेलोनाइस वर्सेज जर्मन शेफर्ड। तो इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है उसमें हम पूरा बेल्जियम मेलोनाइस के बारे में बताएंगे और जो सेकंड पार्ट है उसमें कम्प्लीटली जर्मन शेफर्ड के बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो बेल्जियम मेलोनाइस से। अगर बेल्जियम मेलोनाइस के ओरिजिन की बात करें तो इनका ओरिजिन बेल्जियम में हुआ था। ये मीडियम साइज के डॉग्स होते हैं और इनका मंथली एक्सपेंडिचर अराउंड 2200 से 2500 तक आता है। अगर बेल्जियम मेलोनाइस के बिहेवियर की बात करें तो बेल्जियम मेलोनाइस बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, एक्टिव और प्लेफुल डॉग्स होते हैं। ये डॉग्स अपने ओनर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट गार्ड डॉग्स भी होते हैं। इन डॉग्स को पुलिस और आर्मी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हालांकि इंडिया में इन डॉग्स को बहुत ही कम देखा जाता है लेकिन अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे इन डॉग्स को बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे आर्मी और पुलिस में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये डॉग्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं और पहले के ज़माने में इनको स्मगलर्स यूज़ करते थे ताकि वो पुलिस से बच सके और उनकी स्मगलिंग का काम अच्छे से चल सके क्योंकि ये डॉग्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और फास्ट भागने वाले रहते हैं। एक एडल्ट और हेल्दी बेल्जियम मेलोनाइस बहुत ही आसानी से ऊंची ऊंची छलांगें लगा लेता है और इनके लिए 10-12 फीट की दीवार खोदना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एनर्जेटिक होते हैं। अगर बेल्जियम मेलोनाइस के प्राइस को देखें तो इनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है जो कि है 60,000 से लेकर 80,000 तक के। इनके क्वालिटी के हिसाब से ज़्यादा या कम भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं जर्मन शेफर्ड के बारे में। तो जर्मन शेफर्ड एक मीडियम टू लार्ज साइज़ के डॉग्स होते हैं और इनका ओरिजिन जर्मनी से है। अगर जर्मन शेफर्ड और बेल्जियम मेलोनाइस के कोट को कंपेयर करें तो बेल्जियम मेलोनाइस शॉर्ट कोट में मिलते हैं और जर्मन शेफर्ड आपको मीडियम कोट या फिर लॉन्ग कोट में भी देखने को मिल सकते हैं। इंडिया में जर्मन शेफर्ड वन ऑफ द पॉपुलर डॉग में से एक है और इनको बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि इनको बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी यूज़ करते हैं, इनको पुलिस में भी यूज़ किया जाता है और इनको आर्मी में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये भी एक एनर्जेटिक डॉग है और इनमें जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि बेल्जियम मेलोनाइस थोड़े कम इंटेलिजेंट है, बेल्जियम मेलोनाइस भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा एथलेटिक टाइप के डॉग्स होते हैं, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और एनर्जेटिक है। बेल्जियम मेलोनाइस और जर्मन शेफर्ड दोनों ही वर्किंग टाइप के डॉग ब्रीड है, मतलब कि इनको काम करते रहना, खेल कूद करते रहना ज़्यादा पसंद है एक जगह बैठे रहने के मुकाबले। अगर जर्मन शेफर्ड के मंथली खर्चे की बात करें तो वो अराउंड 2200 से 2500 तक ही आता है और ये लगभग बेल्जियम मेलोनाइस से सेम ही है। इन दोनों डॉग्स में, मतलब कि जर्मन शेफर्ड और बेल्जियम मेलोनाइस में, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इनका प्राइस रेंज जो कि बहुत ही ज़्यादा वैरी करता है। जर्मन शेफर्ड एक मीडियम रेंज में आने वाला डॉग है पर बेल्जियम मेलोनाइस बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस रेंज में आने वाला डॉग है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर दो और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।